नोट पैड प्लस प्लस के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि नोट पैड प्लस प्लस में डुप्लीकेट सेंटेंस या डुप्लीकेट वर्ड्स को हम कैसे रिमूव या डिलीट करें। तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे यहाँ जैसे ये सेंटेंस है, तीन बार रिपीटेड है, राइट। ये जो है फोर टाइम्स वन, थ्री टाइम्स रिपीटेड है। कुछ कुछ इसमें यूनिक भी है, राइट। जैसे फोर टाइम्स फोर रिपीटेड है, डॉग मेनी टाइम्स रिपीटेड है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें अभी मैं एग्जांपल के लिए जो वर्ड या सेंटेंस का जो काउंटिंग है बहुत कम है, लेकिन आप यदि कोई बहुत ह्यूज फाइल है जहां आप मैनुअली डिलीट करेंगे ये डुप्लीकेट सेंटेंस या वर्ड्स को, तो काफ़ी टाइम लग सकता है, राइट। तो इसमें आपको ट्रिक मैं बताने वाला हूँ जिससे आसानी से आप डुप्लीकेट सेंटेंस या वर्ड्स को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी डुप्लीकेट है वो कंसेक्यूटिव है, राइट, रेगुलरली है। जैसे ये सेंटेंस है तो रेगुलरली है, ये कंसेक्यूटिव है, ठीक है ना। तो दो ट्रिक बताऊंगा, एक तो कंसेक्यूटिव वाला, एक होता है कि कंसेक्यूटिव नहीं रहे तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें हमें डुप्लीकेट लाइन्स को डिलीट करना है। जैसे डुप्लीकेट लाइन्स को डिलीट करने का मतलब जो ये जो सेंटेंस है तीन बार है तो एक ही बार आना चाहिए, बाकी दो बार डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एडिट में जाना है, एडिट। और यहाँ एडिट में जाने के बाद आपको जाना है लाइन ऑपरेशंस में, ठीक है। लाइन ऑपरेशन में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें से ये ऑप्शन मिलेगा रिमूव कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट लाइन्स, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो एडिट में जाके लाइन ऑपरेशंस देन रिमूव कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट लाइन्स, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सिर्फ यूनिक लाइन्स या यूनिक वर्ड आपको रिमेनिंग रह जाएंगे। तो ये तो ट्रिक थी कंसेक्यूटिव आपका वर्ड्स या सेंटेंस डुप्लीकेट हो तो। नाउ दूसरा एग्जांपल ये है कि जैसे वन वन यहाँ दो बार आ रहा है लेकिन यहाँ पे आ रहा है, राइट। फिर ये देख सकते हो कि दिस इज नोट पैड, दो बार यहाँ रेगुलरली है उसके बाद यहाँ है। तो ऐसे में कैसे डुप्लीकेट सेंटेंस या वर्ड्स को रिमूव करना है वो मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि फिर से आपको एडिट में जाना है, एडिट में जाने के बाद आपको लाइन ऑपरेशंस में जाना है। लाइन ऑपरेशंस में जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ एक ऑप्शन आता है शॉर्ट लाइन्स लेक्सिकोग्राफिकली असेंडिंग, ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या करेगा, एडिट देन लाइन ऑपरेशंस एंड शॉर्ट लाइन्स लेक्सिकोग्राफिकली असेंडिंग, ठीक है ना, ये करना है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली ये शॉर्ट कर देगा आपके सेंटेंस को। तब वन वन एक साथ आ गया, टू टू एक साथ आ गया, इस तरह से दिस इज नोट पैड एक साथ आ गया, राइट। अब वही अप्लाई कर देना है, फिर से हमें एडिट में जाना है, देन हमें जाने होंगे लाइन ऑपरेशंस में। लाइन ऑपरेशंस में जाने के बाद जो पिछले बार किया था हमने फर्स्ट ट्रिक में रिमूव कंसेक्यूटिव डुप्लीकेट लाइन्स, यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर से सिर्फ यूनिक वर्ड्स या यूनिक सेंटेंसेस रह जाएंगे आपके। तो ये थी छोटी सी ट्रिक, आशा है आपके काम का होगा। यदि आप आईटी में काम, आईटी या स्टूडेंट है या किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो इस तरह के ट्रिक आपको ज़रूरत पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इस तरह की ट्रिक, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।